मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, अब हम स्पर्श गद्य खंड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसकी लेखिका बचेंद्री पाल है। यह इस पार्ट की पहली वीडियो है। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। यानी बचेंद्री पाल की माता का नाम क्या था? हंसा नेगी, और पिता का नाम था किशन सिंह पाल। उनकी ये तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पढ़ाई का खर्च उठा सकें। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। यानी बचेंद्री पाल ने 8वीं कक्षा से जो आगे की पढ़ाई करी, वो स्वयं अपने आप उसका खर्चा उठाया। वो उन्होंने सिलाई कढ़ाई की। सिलाई कढ़ाई करने के बाद जो उन्हें पैसा प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने अपनी फीस दी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। प्रिंसिपल चाहते थे, क्योंकि बचेंद्री पढ़ाई में अच्छी थी, तो प्रिंसिपल चाहते थे कि उनकी क्लास, उनके स्कूल में जो बच्ची पढ़ रही है वो आगे पढ़ाई करें। तो उनके पिता से उनकी पढ़ाई के लिए सहमति ली। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर BEd की शिक्षा हासिल की। मतलब इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी बचेंद्री ने क्या किया? MA भी किया और BEd भी किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। क्यों? क्योंकि बचेंद्री के मन में यह था कि जो भी निश्चित करती थी वो उसे, यानी जो भी लक्ष्य निर्धारित करती थी वो उसे पूरा किए बिना मानती नहीं थी। यानी पूरा ध्यान उसी में लगाती थी और सफलता हासिल करती थी। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। बचेंद्री अधिकतर पहाड़ी, उनके पिता पहाड़ी स्थानों पर ही रहे थे, ज्यादातर समय उन्होंने वहीं बिताया। तो बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत लगाव था। चाव मीन्स अच्छा लगना, इच्छा उनकी यही रहती थी कि वो पहाड़ पर चढ़े। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, क्या हुआ? बड़ा भाई तो इन्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोकता था, लेकिन और क्या करता था? इनसे जो 6 साल छोटा था, यानी बचेंद्री से 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता, मीन्स उससे कहता था, उसके उसके अंदर इच्छा जगाता था कि वो पहाड़ पर चढ़े। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। बचेंद्री को ही अच्छा नहीं लगता था। रोक टोक बचेंद्री को पसंद नहीं थी। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है, वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बचेंद्री के मन में यह विचार आता था कि लोग लड़कियों को इतना नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल, पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही। क्यों? क्योंकि चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था, यानी कि हर साल में कुछ महीने लेखिका के पिता कहाँ चले जाते थे? गांव में चले जाते थे, जहाँ वो गांव कहाँ था? पहाड़ी पर था। और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, यानी वो पहाड़ी इलाके में भी जाते थे। पहाड़ी जहाँ ऊंचाई पर बना हुआ एक गांव था वहाँ भी जाते थे, और पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में भी वो जाते थे। यानी दोनों जगह उनका साल में आना जाना लगा रहता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। तो क्या करना पड़ता था बचेंद्री को? वो स्कूल जाती थी, स्कूल जाने आने में उन्हें पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। चढ़ती भी थी, उतरती भी थी, दोनों आना जाना लगा ही रहता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने
बच्चों ये नोट कर लीजिए, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने क्या किया, एवरेस्ट अभियान पर एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं को की खोज शुरू की। यानी जिन महिलाओं को एवरेस्ट अभियान पर जाने का चाव था या वो एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखती थी, ऐसी महिलाओं की खोज किसने शुरू की? माउंटेन फाउंडेशन ने, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने ऐसी महिलाओं की खोज शुरू कर दी जिन महिलाओं को एवरेस्ट अभियान पर जाने की इच्छा थी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई, यानी उन्होंने उस अभियान में वो शामिल हो गई, मीन्स उसे ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। अभियान में शामिल होने के बाद में सबसे पहले उन्होंने कितनी ऊंची चढ़ाई की? 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक वो चढ़ गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, प्रयाण मीन्स प्रस्थान किया। आगे देखिए, बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का, यानी जो बचेंद्री ने क्या किया, एवरेस्ट विजय की, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ गई, उसकी विजय यानी सफलता पूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ने का, रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। यहाँ पर बचेंद्री ने अपनी एवरेस्ट पर्वतारोहण की यात्रा का जो वर्णन किया है वो अपनी ही कलम से किया है। यानी उन्होंने वहाँ के सारे दृश्य, वहाँ चढ़ाई उन्होंने किस प्रकार की, कौन कौन उनके साथी थे, उसका विवरण उन्होंने स्वयं ही किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह जो आपका पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह उसी पाठ का है। और इसकी लेखिका कौन है? बचेंद्री पाल। यानी बचेंद्री पाल ने ही एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, विजय प्राप्त की थी। यह लोमहर्षक मीन चमत्कार पूर्ण अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। यानी बचेंद्री पाल ने जब अपनी यात्रा शुरू करी थी, वहां पर उन्होंने कहाँ कहाँ पड़ाव किया, कहाँ कहाँ वो रुके, कहाँ कहाँ उनके साथियों ने सहायता की, किस प्रकार वो एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें तिरंगे को लहराया, उसका पूरा बयान इसमें किया गया है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। इस पाठ में जब आप पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें जो बचेंद्री ने लिखा है वो इतना अच्छा लिखा है, ऐसा लगता है कि पाठक उनके साथ एवरेस्ट पर चढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी हर दृश्य को उन्होंने इतने अच्छी तरह प्रस्तुत किया है कि पाठक उसे समझता हुआ, उसको महसूस करता हुआ मालूम होता है। अब पाठ हम नेक्स्ट वीडियो ने अगले उसमें पढ़ेंगे।